जी एट क्लास, इस वीडियो में हम लोग सेकंड टर्म के कुछ प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे, लेकिन ये जहन में रहे कि आपके फर्स्ट टर्म के प्रैक्टिकल्स भी आपके एनुअल पेपर में शामिल हैं। तो सेकंड टर्म का बच्चों, जो आपका सबसे पहला प्रैक्टिकल है, उसके बारे में हम कल एक वीडियो में बात कर चुके हैं, वो है किडनी के बारे में, चैप्टर नंबर 2, और प्रैक्टिकल है टू ऑब्जर्व द किडनी ऑफ एन एनिमल। हमने कल डायग्राम की मदद से देखा था कि जब आप किडनी के कट सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं। अब ये जो आपका प्रैक्टिकल मैनुअल है उसके मुताबिक देखिए, आपने किडनी के एक्सटीरियर को एग्जामिन करना है। तो किडनी का जो एक्सटीरियर है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, स्मूथ टेक्सचर है इसका, और जब हम उसका कट सेक्शन लेंगे तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का, उसमें आपको जिन चीज़ों को हाईलाइट करना है, जो आपसे पूछी जा सकती हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बारे में आपको पता है इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल कट सेक्शन ऑफ किडनी, और इसमें ग्लोमेरुलस होता है, इसमें बोमन्स कैप्सूल है, ये हमने कल भी बात की थी। फिर मेडल्ला, मेडल्ला मीन्स रीनल मेडल्ला, किडनीज़ का जो मेडल्ला है, जब हम कट सेक्शन देखते हैं किडनीज़ का, तो जो इनर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड रीनल मेडल्ला। और रीनल मेडल्ला जो है, इसमें हमने देखा था कि इसमें नेफ्रॉन का ट्यूबलर पार्ट होता है। कॉर्टेक्स जो है वो रेडिश ब्राउन कलर है, जबकि मेडल्ला का कलर जो है वो हल्का हो जाता है, कलर उसका लाइट हो जाता है, जो रियल टाइम जो आप जब किडनी देखते हैं। उसके बाद है यूरेटर, यूरेटर जो है वो आपको पता है कि रीनल पेल्विस में कलेक्टिंग डक्ट्स के मिलने से एक ट्यूब बनती है, जो किडनी से यूरिन लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक आती है। उसके बाद है टिब्यूल्स, और टिब्यूल्स जो हैं किडनी के, उन्हें हम दो तीन तरह से उनको स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, बोमन्स कैप्सूल का जो बिल्कुल एडजेसेंट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसके बाद आ जाएगा लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले का भी आपने देखा था दो पार्ट्स हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और एक है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है ये रीनल मेडल्ला में लाई करता है, जबकि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है ये रीनल कॉर्टेक्स में लाई करता है। इसके बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जब रीनल कॉर्टेक्स में एंटर होता है, तो फिर इसकी कन्वोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, यानी फिर ये बल्क आना शुरू कर देता है, और इस बल्क आए हुए कॉन्वोल्यूटेड पार्ट को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, और ये रीनल कॉर्टेक्स में लाई करता है। इसके बाद कलेक्टिंग टिब्यूल्स आ जाती हैं, और कलेक्टिंग टिब्यूल्स मुख्तलिफ आपस में मिलके कलेक्टिंग डक्ट्स बनाती हैं, और कलेक्टिंग डक्ट्स जब आपस में मिलती हैं तो यूरेटर फॉर्मेशन होती है। तो ये तो बच्चों किडनी का प्रैक्टिकल है। अब चूंकि आपको एमसीक्यूज आना है, इसलिए आपने इस प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडल्ला, यूरेटर और जो इसका बोमन्स कैप्सूल वाला जो एक पिक्चर है, एक डायग्राम आपकी बुक पर दी हुई है, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए और किडनीज का ओवरव्यू पढ़ लें, तो आपका ये प्रैक्टिकल जो है, मुझे उम्मीद है कि इसमें से जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आप उन्हें बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। जी बच्चों, इसके अलावा पार्ट फर्स्ट टर्म का जो प्रैक्टिकल है आपका न्यूरॉन वाला, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वाला सॉरी, उसको भी कल हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडल्ला, इनको गौर से पढ़ लीजिएगा, इनके इनके फंक्शंस बेसिकली। तो अगर आप इनके फंक्शंस को अच्छी तरह से क्लियर कर लें तो ये प्रैक्टिकल भी आपका आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भी फर्स्ट टर्म का प्रैक्टिकल है, वैसे ही आ गया सामने, देख लेते हैं इसको। टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस के एक्सपेंशन को आपने स्टडी करना है,
और इसका आप प्रोसीजर देख चुके हैं, हमने प्रैक्टिकल किया भी था फर्स्ट टर्म में। मेन चीज़ जो यहाँ समझने वाली है, जब आपने एक एम्प्टी बॉटल ली, प्लास्टिक बॉटल, उसकी नेक के ऊपर आपने एक डीफ्लेटेड बैलून फैसन किया और उस इस अपरेटस को आपने हॉट वाटर के अंदर रख दिया, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो डिफ्लेटेड बैलून था, इट गेट्स इन्फ्लेटेड अ बिट। ये है आपका प्रैक्टिकल। जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जब आपने इस बॉटल को हॉट वाटर में रखा, तो आपको पता है कि हीट फ्लो करने का जो रूल है, हीट फ्लोज फ्राम हॉट बॉडीज़ टू कोल्ड बॉडीज़, तो हॉट वाटर से हीट फ्लो करेगी इनटू दी कोल्ड बॉडी बॉटल के अंदर। बॉटल के अंदर गैस एनक्लोज्ड है, एयर मौजूद है, अब हीट जो है वो एयर तक ट्रांसमिट होगी और एयर हीट गेन करके एक्सपेंड होगी। जब हीट एयर एक्सपेंड होगी, जब गैस एक्सपेंड होगी, तो ये गैस जो है डिफ्लेटेड बैलून तक पहुंचेगी, और जो डिफ्लेटेड बैलून था वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेट हो जाएगा, थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल है। इसमें व्हाट डिड यू ऑब्ज़र्व, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि डिफ्लेटेड बैलून इन्फ्लेटेड अ बिट। व्हाई डिड यू थिंक दी बैलून इन्फ्लेटेड, बैलून इन्फ्लेट क्यों हुआ, मैंने रीज़न अभी आपको बता दी। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल था, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में थर्मल एक्सपेंशन जो है उसके बारे में एक प्रैक्टिकल था, और इसमें भी हमने देखा था कि आपने जो लिक्विड लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, अगर आप उसको होल्ड करते हैं अपने हाथ में, तो वो एक्सपेंड करता है। क्यों एक्सपेंड करता है, क्योंकि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो आपके जो हाथ की जो हीट है वो फ्लो करती है इनटू दी लिक्विड, और लिक्विड जो है हीट गेन करके एक्सपेंड होता है। इसमें भी अब इन दोनों प्रैक्टिकल्स में आपको हीट वाले चैप्टर को, पर्टिकुलरली इन प्रैक्टिकल्स के लिए, हीट का इफेक्ट सॉलिड्स के, लिक्विड्स के ऊपर और गैसेस के ऊपर, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स सॉरी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, इनको गौर से स्टडी करना है, तो आप आसानी से इन प्रैक्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी आंसर कर सकेंगे। इसके बाद बच्चों एक प्रैक्टिकल है, टू ऑब्जर्व एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें जो मेन चीज़ है जो क्लियर होनी चाहिए, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का पता हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को डिफाइन, उनकी डेफिनेशन पढ़ लें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन देख लें, दोनों की एग्जांपल्स देख लें, तो आप आसानी से इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। आप अपने नोटबुक चेक करें, इसमें आपने एक टेबल बनाया था जिसमें आपने कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शंस को देखा था कि इनमें से कौन कौन से रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हैं, कौन से एंडोथर्मिक हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू शुड नो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चों फिर एक प्रैक्टिकल था आपकी सेकंड टर्म का, टू ऑब्जर्व गैस प्रोडक्शन बाई रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसमें से आपको एमसीक्यूज़ कल एक्सपेक्टेड हैं, और जो एमसीक्यू ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड होगा, वो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एसिड को किसी बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे, तो जो गैस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी है। जी, आपका आंसर दुरुस्त है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपको पता हो और आपने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें आपको याद होगा कि आपने बेकिंग सोडा को, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाया था विनीगर के साथ। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ विनीगर, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड, और बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम उसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जब आप इन दोनों केमिकल्स को रिएक्ट करवाते हैं, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये बच्चों आपका इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इससे रिलेटेड थ्योरी को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला भी आपको आना चाहिए, NaHCO3, ये भी
आपसे किसी न किसी अंदाज़ में पूछा जा सकता है कि आपको ये फार्मूला आता है या नहीं आता है। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 8 के दो प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके इस टर्म की हैं, और ये प्रैक्टिकल अभी हमने चंद दिन पहले परफॉर्म भी किए थे, टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत आसान प्रैक्टिकल जिसमें आपने एक एम्प्टी बॉटल के बॉटम के करीब एक बारीक होल किया, उसके अंदर आपने वाटर फिल किया और उसको टाइटली आपने ढक्कन लगा के, तो ये ऑब्ज़र्व किया कि क्या इस बहुत बारीक होल में से पानी बाहर आ रहा है या नहीं। उसके बाद आपने उसके कॉर्क को लूज़ किया या ओपन कर दिया, तो आपने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पानी जो है सुराख से बाहर आने लग गया। तो अब इसमें आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्चुअली स्टडी करना है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 8 के ये टॉपिक्स हैं। इसके बाद देखिए एक और प्रैक्टिकल था, टू इन्वेस्टिगेट हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम आपको पता है कि आपके चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक भी है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है और एमसीक्यूज भी इसके बारे में आ सकते हैं। इसका अपरेटस भी आपको पता होगा, अभी चंद दिन पहले हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है जिसमें आपने डिफरेंट डायमीटर्स की सिरिंजिस को इस्तेमाल किया है लिक्विड प्रेशर को स्टडी करने के लिए, और हमने ये देखा जो बेसिक प्रिंसिपल है इस प्रैक्टिकल का, इस एक्टिविटी का, वो ये है कि जब आप लिक्विड्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड्स इस एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर तरफ, और यही हुआ था हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में। एक इजाफी बात जो आपको याद रखना है वो ये कि जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है इसमें हम दो तरह के पिस्टन यूज़ करते हैं, एक का डायामीटर कम है और एक का डायामीटर ज़्यादा है। कम डायामीटर वाले पिस्टन पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर आप प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो दूसरा पिस्टन जिसका डायामीटर ज़्यादा है उस पे यही प्रेशर, चूंकि बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लिक्विड्स प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये प्रेशर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब ये बड़े डायमीटर वाले पिस्टन पे ये प्रेशर एग्जर्ट होगा तो जो फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड करते हुए कि स्मालर पिस्टन और जो बड़ा पिस्टन है उन दोनों के डायामीटर्स में क्या रेशियो है, उसके लिहाज से फोर्स जो है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या मैनी टाइम्स हो सकती है। और यही खूबसूरत बात है हाइड्रोलिक सिस्टम की कि हम थोड़ी फोर्स लगा के उस फोर्स को बड़े डायमीटर वाले पिस्टन के ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिकल के लिए बेहतर होगा कि आप प्रेशर वाले चैप्टर में से जो हाइड्रोलिक्स वाला टॉपिक है उसको गौर से पढ़ लें, उसके डायग्राम देख लीजिए, और इसके अलावा लिक्विड प्रेशर के 3 फीचर्स मैंने आपको बताए थे, बुक पे निशान लगवाए थे, उनको गौर से पढ़ लीजिए। अब चैप्टर नंबर 11 का एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपने कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो वैसे तो ये बहुत आसान प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, लेंस की टाइप्स बल्कि कितनी होती हैं, कन्वेक्स लेंस क्या है, कनकेव लेंस क्या है, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है। ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए अगर आप ये काम कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 जो है लेंसेज वाला, उसमें तो आपका ये प्रैक्टिकल भी आई होप के बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज एग्ज़ाम में पूछे गए तो। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 7 स्टडी किया इस टर्म में, एसिड अल्कलीज एंड साल्ट्स। इसमें आपने पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड्स और अल्कलीज के बारे में, इसी टर्म का ये प्रैक्टिकल है। तो बच्चों इसके लिए आप इसकी तैयारी के लिए एक तो अपनी नोटबुक चेक करें, उस पे हमने एक टेबल बनाया था जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस को टेस्ट किया था कि जब हम इनको इस टेस्ट से गुजारते हैं तो क्या कलर प्रोड्यूस होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से जब टेस्ट करते हैं, और इनकी एक्सपेक्टेड पीएच क्या है, इनकी एक जो हम पीएच हमें हासिल होती है, पीएच जो पेपर है उससे, जब पेपर चार्ट से हम इसको, सॉरी पीएच चार्ट से टैली करते हैं
तो क्या पीएच इनकी बनती है। तो ये टेबल आपकी नोटबुक्स में मौजूद है, डिस्टल वाटर, विनीगर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, लेमन जूस है, इन सब के हमने रीडिंग्स ली थी। तो वो आप चेक कर लीजिए अपनी नोटबुक, अपने नोट्स जो हैं। और इसके अलावा बच्चों, जो आपकी बुक पे पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर वाले टॉपिक हैं वो देख लें। यूनिवर्सल इंडिकेटर के आपने ये देख लेना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके जो है ना वो कंपोजिशन क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब आप ये बुक से और अपनी नोटबुक से इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आप बहुत बेहतर अंदाज में इस प्रैक्टिकल को प्रिपेयर कर लेंगे। तो ब्रीफली मैंने आपको जो आपके मेजर प्रैक्टिकल्स थे वो भी बता दिए हैं और जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपकी बुक पे हैं हमने उनकी बात कर ली, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उन पे हमने बात कर ली। तो इनको दोहरा लीजिए, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि आपका प्रैक्टिकल जो है वो बहुत अच्छा हो जाए।